हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सपना हेयर एंड वेलकम बैक टू यू गूगल। क्या आपके भी बाल झड़ रहे हैं? झड़ रहे हैं तो क्यों झड़ रहे हैं, इसके क्या कारण है, जानने के लिए मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और हाँ, मैं अपने वीडियो के एंड में कुछ होम रेमेडीज भी बताने वाली हूँ जो कि 100% वर्क करते हैं फ्रेंड। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी जो हमारे हेयर फॉल चल रहा है फ्रेंड्स, वो सीजनल हेयर फॉल है। मैंने भी काफी रिसर्च किया तो मुझे पता चला सीजनल हेयर फॉल होते हैं, मींस अकॉर्डिंग टू कैलेंडर ये जुलाई और अगस्त में ज्यादा होता है और विंटर में ये नवंबर दिसंबर के अराउंड होता है। अभी जो हमारा फेज चल रहा है फ्रेंड्स, इसे टेलिजिंग फेज कहते हैं। इस फेज में हमारे बाल कुछ ज्यादा ही झड़ते हैं, ये कुछ महीनों तक तो रहता ही है। कहा जाता है कि 50 से 100 के बीच में बाल झड़ना नॉर्मल है, लेकिन ये भी काफी होते हैं। लेकिन अगर आपके इससे भी ज्यादा बाल झड़ रहे हैं तो काफी सीरियस प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। बारिश में बाल झड़ने के कई कारण होते हैं, जैसे बारिश के पानी का इन्फेक्शन, न्यूट्रिशन की कमी, बालों की जड़ों का कमजोर होना, डेंड्रफ की प्रॉब्लम, सफाई पे ध्यान ना देना, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्ट्रेस। स्ट्रेस जितना ही हार्मफुल हमारे हेल्थ के लिए होता है, उतना ही हार्मफुल हमारे बालों के लिए भी होता है। तो स्ट्रेस कम लिया कीजिए फ्रेंड्स। अगर आपके बाल भी बढ़ते कम और झड़ते ज्यादा हैं, तो मैं जो होम रेमेडी बताने वाली हूँ फ्रेंड्स, उसे जरूर ट्राई करें। और हाँ, ये होम रेमेडी बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए है, क्योंकि बाल झड़ने की प्रॉब्लम तो किसी को भी हो सकती है। तो पहला होम रेमेडी है अनियन, मीन्स प्याज। प्याज के फायदे के बारे में मैं जितना बताऊं उतना कम है फ्रेंड्स। इसमें सल्फर अधिकतम मात्रा में पाए जाते हैं और इसके प्रयोग से हमारे बाल जड़ों से मजबूत हो जाते हैं और बालों का टूटना तो कम हो ही जाता है, साथ ही हमारे बाल सिल्की और शाइनी भी हो जाते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं इसका किस तरीके से उपयोग करना चाहिए। पहले आप एक या दो प्याज लीजिए, उसे कट कीजिए, उसे जूसर में डालिए और उसका रस निकालिए। फिर उसमें एक स्पून नारियल का तेल डालना है आपको। उसे मिक्स करके अपने बालों के जड़ों में अच्छी तरीके से एक दो मिनट तक मसाज कीजिए। फिर उसे 30 मिनट तक रहने दीजिए और फिर उसके बाद हेयर वॉश कर लीजिए। अच्छे रिजल्ट पाने के लिए आप इसे सप्ताह में दो बार जरूर लगाएं। आप देखेंगे कि महीने भर में ही आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी फ्रेंड्स। ये काफी अच्छा नुस्खा है, आप इसे जरूर ट्राई करें। दूसरा होम रेमेडी है मेथी का बीज। ये भी काफी चमत्कारी नुस्खा है फ्रेंड्स। मेथी में निकोटिक एसिड और प्रोटीन पाए जाते हैं जो हमारे बालों के जड़ों को न्यूट्रिशन देता है और साथ में हेयर ग्रोथ में भी काफी हेल्पफुल होता है। अब हम जानते हैं इसे किस तरीके से लगाना चाहिए। सबसे पहले मेथी को रात भर पानी में फूलने के लिए दे दीजिए, फिर सुबह में इसे ग्राइंड कर दीजिए और फिर उसमें एक दो चम्मच गाढ़ी दही को मिलाइए। ये आपके डैंड्रफ की प्रॉब्लम को भी दूर कर देगा। फिर से अच्छे से मिलाइए और अपने बालों में अप्लाई कीजिए। फिर इस पेस्ट को 20 से 30 मिनट तक अपने बालों में रहने दीजिए, फिर हेयर वॉश कर लीजिए। इससे आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम तो जाएगी, साथ ही ये आपके स्कल्प से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम को दूर कर देता है और हेयर फॉल तो दूर कर ही देता है फ्रेंड्स। तो ये दोनों होम रेमेडी आप जरूर ट्राई कीजिए, 100% वर्क करती है फ्रेंड्स। अगर मेरी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी फ्रेंड्स, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।